शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत मुजफ्फरनगर में गिरफ्तारी। जैन समाज के प्रति दिल्ली के कार्यक्रम में सरकार का रवैया निंदनीय। गौरतलब है कि जैन धर्मावलंबियों के आस्था के गढ़ समेत शिखर जी पर आज संकट गहरा गया। समेत शिखर जी को जब से वन्यभ्यारण्य क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र केंद्र व झारखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया, तब से जैन समाज इस तानाशाही निर्णय के विरुद्ध लामबंद होकर आंदोलनरत है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह निर्णय वापस लिया जाए, ताकि जैन समाज का पवित्र आस्था का केंद्र शिखर जी की पवित्रता यथावत बनी रहे। इसी संबंध में दिल्ली में लाखों सकल जैन समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति भवन तक मार्च व मांग पत्र का कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, परंतु लाखों लोगों के शांतिपूर्वक पैदल मार्च के बावजूद वहां के प्रशासन ने मार्च को रोकने का प्रयास किया। वह कुछ साथीगणों को गिरफ्तारी की खबर लगातार आ रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस द्वारा लाठी फटकारते हुए वीडियो दिल्ली से आनी शुरू हुई, वैसे ही देश के जैन समाज में आक्रोश फैलता चला गया। इसमें मुजफ्फरनगर के जैन समाज आक्रोशित हो अतिथि भवन भारत माता चौक पर एकत्रित होने लगा। जैसे ही प्रशासन को जैन समाज के इकट्ठा होने व कलेक्ट्रेट पहुंचने के कार्यक्रम की भनक लगी, वैसे पुलिस ने अतिथि भवन की घेराबंदी कर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों को रोकना शुरू कर दिया, जिस पर आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस तानाशाही दिखाते हुए गौरव जैन के नेतृत्व में सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां थोड़ी देर बैठाकर सभी को छोड़ दिया गया। 7 जनवरी 2023 को ही शाम 7 बजे समस्त समाज की एक बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें 10 दिवसीय अनशन की तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से गौरव जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैन एकता युवा मंच, पंकज जैन, गांधी टेंट हाउस, विप्लव जैन समाज सेवी, रोहित जैन नमोकार जैन मंत्र समिति, नितिन जैन नमोकार मंत्र समिति, अमित जैन, आकाश जैन कृष्णापुरी वाले, जैन खस्ता वाले समाज सेवी, पुनीत जैन, अश्विनी जैन, सौरभ जैन, विपुल जैन, आशीष जैन, निपुल जैन, अरुण जैन, सागर जैन आदि मौजूद रहे। पंजाबी वो अपने सांकेतिक, उसके अलावा एक मसाल जुलूस का है, वो भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं जैसा वो उस दिन का, लेकिन सांकेतिक मसाल जुलूस का एक दिन का कार्यक्रम है रात, वो सब हम लिखित में दे चुके। अब आप उसकी स्थिति हम लिखित में मजिस्ट्रेट साहब को भी दिखा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम लगा के, अब उसकी जैसी व्यवस्था हो, जो भी उचित व्यवस्था कानून हो, आप क्षेत्र का जो नोटिफिकेशन है वापस लिया जाए, और जैन समाज की मांगों को मानते हुए उसको शुद्ध सहकारी क्षेत्र घोषित करने का काम करें, उसे नहीं, जहाँ से भी तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं हमारे तीर्थंकर भगवान, उन सभी क्षेत्रों को पूर्ण सहकारी क्षेत्र घोषित किया जाए। वो सूचना जब आई तो जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए, जैन अतिथि भवन में जहाँ कल से कर्मी दर्शन है वहाँ पर समाज के लोग इकट्ठा हुए, और सभी लोग इकट्ठे होकर कलेक्टेड जाकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस के लोग आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें अतिथि भवन से बाहर नहीं निकलने दिया, और वहीं से हमारे एस्टिंग करके वो लोग कोतवाली ले आए थे और लाके हमें यहाँ पर छोड़ दिया। अगर क्या अब कल से हमारा कर्मी कंचन है, लगातार 10 तारीख तक हमारा कर्मी कंचन चलेगा, और कर्मी कंचन के बीच में ही अलग 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 प्रकार के कार्यक्रम सामूहिक रूप से चलते रहेंगे, और 10 तारीख कंचन खत्म होने से पहले अगर तब तक भी सरकार नहीं मानती है तो और बड़ा आंदोलन करने के लिए अग्रिम रणनीति की घोषणा करेंगे।